हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पेरोल सैलरी वेजेज, पेरोल एंड सैलरी एंड वेजेज फीचर एनेबल इन द बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कि दोस्तों, पेरोल का जो फीचर होता है वो कैसे एनेबल करते हैं बीजी के अंदर। तो दोस्तों, उसके लिए हम चलते हैं हमारे बीजी सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ से हम बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, ठीक है दोस्तों? ठीक है, यहाँ से मैं एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाता हूँ और फीचर ऑपरेशन पे क्लिक करता हूँ। यहां से मैं लास्ट सेकंड पे एंटरप्राइजेज ऑप्शन पे फीचर पे आता हूँ। ओके, फिर यहां से ये देखिए नीचे से फोर्थ नंबर पे है एनेबल पेरोल। ओके, इसे मैं यस करता हूँ, वाई दबाता हूँ और एंटर करता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ जाता है, इन्हें हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, चलो कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आपकी मंथली सैलरी है, आपका डेली वेजेज भी है या प्रोडक्शन साथ में करते हो तो इन पे क्लिक कर दो। यदि करते हो तो, नहीं करते हो, यदि ट्रेडिंग वाली कंपनी है तो ओनली मंथली सैलरी रहने दो। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, सैलरी को राउंड ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज जितना चेक, आजकल तो चेक से जमा होता है, कोई जरूरत नहीं होती राउंड ऑफ करने की। करना चाहते हो कर सकते हो, यस कर दो। ठीक है, यहां से देखो अपर करना चाहते हो, लोअर करना चाहते हो तो ये ऑटोमेटिक जो भी है वो अपने हिसाब से ले लेगा, तो चलो ऑटोमेटिक कर दो। ठीक है, राउंड नेट सैलरी पेबल सबको कर दो, एक को कर रहे हो तो फिर सबको ही कर दो। ठीक है, या तो करो ही मत। अब नीचे आ जाते हैं, क्या एनेबल ओवर टाइम? यदि आपकी कंपनी ओवर टाइम देती है तो इसे एनेबल कर सकते हो। आपकी कंपनी लोन वगैरह प्रोवाइड करती है तो इसे एनेबल कर सकते हो, पर प्लीज स्पेसिफाई लोन अकाउंट इन द एम्प्लॉय मास्टर इफ यू आर यूजिंग अकाउंट विद। ठीक है, मैं बताता हूँ दोस्तों, ये भी बताऊंगा आपको कहाँ से करना है। फिर एनेबल एडवांस मैनेजमेंट करना चाहते हो तो इसका भी अलग से लेजर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब कुछ करना चाहते हो तो इसे मैं क्या करते हैं, हम एक बार छोड़ देते हैं, मैं आपको इसका अलग से वीडियो दूंगा, इसमें देंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये कर सकते हो साथ। यहाँ से आप क्या करो, मेंटेन अकाउंटिंग विद पेरोल। मतलब दोस्तों, जब भी आप पेरोल की मतलब कैलकुलेशन करो तो वहां से आपकी एंट्री ऑटोमेटेड हो जाए, ये नहीं कि आपको एंट्री भी अलग से करनी पड़े। तो मेंटेन अकाउंट विद पेरोल, तो आप किसके द्वारा करने चाहते हो, वाउचर के सीधी करना चाहते हो या जनरल वाउचर के थ्रू करना चाहते हो? जनरल वाउचर के थ्रू भी कर सकते हो या पेमेंट वाउचर के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, जो आपकी मर्जी है। चलो जनरल वाउचर के थ्रू करते हो तो एंटर दबा दो। अब डेबिट किसको करना चाहते हो सैलरी के लिए, तो एंट्री करते क्या हो आप, सैलरी अकाउंट डेबिट है ना, टू क्या करते हो सैलरी पेबल, और सैलरी पेबल टू बैंक करते हो है ना, और यहाँ से क्या करते हो पेमेंट वाउचर के अंदर मेन करते हो। तो ये पूछ रहा है किसको करना चाहते हो, पेमेंट वाउचर विल नॉट बी पोस्टेड इन सिंगल एंट्री मोड। ठीक है, सही बात है, नहीं होता तो देखो सैलरी तो ये कैलकुलेट कर देगा, सैलरी को डेबिट भी कर देगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट डेबिट अकाउंट फॉर सैलरी के लिए, तो डाल दो जो भी आपकी सैलरी या बोनस पेबल जिसमें डालना चाहते हो डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से चलो सैलरी कर दो एक बार। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा इसका क्या है, सारा निचोड़ में निकाल दूंगा। ठीक है, पेमेंट मोड क्या करना चाहते हो, कैश करना चाहते हो, चेक से करना चाहते हो है ना, कैश कहाँ से करना चाहते हो, कैश से ही करना चाहते हो, चेक कहाँ से करना चाहते हो, कौन से बैंक से करना चाहते हो, जैसे SBI का बैंक है यहाँ पे, ये भी बैंक से। ठीक है, फिर बात करते हैं एनेबल करना चाहते हो TDS, हाँ TDS काटेंगे, जरूर काटेंगे। फिर एनेबल प्रोफेशनल टैक्स आपके ऊपर लागू होता है तो कर सकते हो। एनेबल PF रिपोर्टिंग, यस कर दो, आपका PF नंबर डाल दो, जैसे कुछ भी है, यार मेरे पास PF नंबर है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो PF हो गया, इसे ऐसा का ऐसा छोड़ दो, फिर ये सब चीजें ऐसी कैसी छोड़ दो। ठीक है, और यहाँ से एनेबल करो ESI को, ESI आपका कोड डाल दो। ठीक है, एम्प्लॉयर का नाम क्या आपके, जैसे राम है। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है जैसे। एड्रेस क्या है, जो भी है उसका पूरा एड्रेस डाल दो। ठीक है, और यहां से सेव करो। और यहां से सेव कर दो। जैसे आप सेव करोगे तो यहां से बैक करेंगे, और ठीक है, बैक करने के बाद आपके पास यहां ट्रांजेक्शन में देखोगे ना, तो यहाँ पे ये देखो सैलरी कैलकुलेशन का एक तो ये कॉलम आ चुका है। ठीक है, दूसरा
यहाँ पे मास्टर के अंदर सैलरी कंपोनेंट और एम्प्लॉय ग्रुप और एम्प्लॉय ये चीज भी ऐड हो चुकी है। अब इन दोनों के बारे में, एक तो ये और एक ये, इसके बारे में हम अगले टॉपिक्स के अंदर समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, और मैं इन सभी का एक वीडियो मर्ज करके एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी देख सकते हो आपकी मर्जी है, या अलग अलग देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यही का था दोस्तों, कि आज की इस वीडियो के अंदर हम एनेबल करना चाहते थे फीचर, जो कि हमारा एनेबल हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो के अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।